राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने में सफल रही है। ये नीति डेटा आधारित शिक्षण की आवश्यकता पर जोर देती है। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विद्या समीक्षा केंद्र यानी VSK का लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण, शिक्षकों को समर्थ और प्रशासकों को सशक्त बनाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक नवीन क्रांति लाना है। ये शिक्षकों और प्रशासकों को टेक्नोलॉजी, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदुपयोग से आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी NDAR के अनुरूप VSK का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा केंद्र सरकार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न अकादमिक और प्रशासनिक प्रयासों को एक मंच पर 6A फ्रेमवर्क के अनुरूप संगठित कर रही है। इस फ्रेमवर्क में अटेंडेंस, असेसमेंट, अडैप्टिव लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन और अक्रेडिटेशन डेटा को एकीकृत किया गया है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से सही डेटा, जानकारी और सामग्री सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। NCERT और NIC के सहयोग से PM श्री, निष्ठा, दीक्षा जैसे अन्य केंद्रीय योजनाओं का डेटा भी सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के विद्या समीक्षा केंद्रों से साझा किया जा रहा है, जिससे हर स्तर पर विजिबिलिटी बढ़ेगी और एक्शनेबिलिटी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। भारत का विद्या समीक्षा केंद्र मॉडल हमारे देश को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सभी मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाएं, क्योंकि जितना भारत शिक्षित होगा उतना भारत विकसित होगा।